दोस्तों, अगर आप इस सेल में OnePlus 11R खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसकी सेल Amazon पर आने वाली है और जो प्राइस है इसका 26,749 रुपये आने वाला है। तो अगर आप OnePlus 11R खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाइए। आपको इस सेल में OnePlus 11R को बाय नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं पिछले साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। पिछली बार जो सेल आई थी Amazon पर उसमें मैंने इसको OnePlus 11R को बाय किया था, तो अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है जो आपके बाइंग डिसीजन को डेफिनेटली बदल सकता है, और वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है जो मुझे फेस हुई है। और मैं आपको आउटडोर में कैमरे से रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगा। आज बाहर धूप नहीं है, इतनी हल्की फुल्की धूप है, फिर भी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा कि किस टाइप का कैमरा इसका भी परफॉर्म कर रहा है। लाइव आप देखेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है ये मेरा कैमरा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सब कुछ इसके बारे में क्लियर हो सके। देना करते जय श्री गणेश करता। सबसे पहले तो बात बोलूंगा कि मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, जो मुद्दे की बात है वही करूंगा, सीधी बात नो बकवास वही हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अच्छी चीज़ों का आपको पता ही होगा कि इसके अंदर अच्छा क्या है। स्क्रीन इसकी अच्छी है, इसके अंदर कैमराज अच्छे हैं, प्रोसेसर इसके अंदर अच्छा दिया हुआ है, बैटरी बैकअप इसका अच्छा है, फास्ट चार्जिंग दी हुई है, तो सब कुछ इसके अंदर अच्छा दिया हुआ है। तो दिक्कत मुझे कहाँ पर हुई है, देखिए फिलहाल ये चल रहा है एंड्रॉयड 14 पर और लेटेस्ट वर्जन आप स्क्रीन में देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले इसको अपडेट किया है तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटी पैच अगस्त का आ चुका है, तो मैं इसको टाइम टू टाइम अपडेट कर लेता हूँ और अपडेट भी मैं चेक करके करता हूँ कि कौन सी अपडेट ठीक है कौन सी नहीं है। बट स्टार्टिंग की जो 2-3 इसके अंदर अपडेट आई थी पिछले साल से लेके बोल रहा हूँ, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। यानी ये लगा लीजिए कि इसको अभी 1 साल हो गया है, तो 7-8 महीने तक मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत फेस नहीं हुई है। बट उसके बाद जो कुछ अपडेट्स आई हैं, उसके बाद इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप होने लग गया है। आप जो है रूम के अंदर यूज़ करेंगे, रूम टेम्परेचर के अंदर यूज़ करेंगे, तो चाहे गर्मियों में यूज़ करें चाहे सर्दियों में यूज़ करें, रूम टेम्परेचर के अंदर अगर आप घर के अंदर हैं, सनलाइट में नहीं है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तब आप वीडियोज़ बनाओ, गेम खेलो, कुछ भी करो, कोई आपको दिक्कत नहीं है। बट जैसे आप इसको धूप में लेके जाएंगे, चाहे थोड़ी सी भी धूप क्यों ना हो, तो भाई ये इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप होने लग गया है। हालाँकि 8+ Gen 1 है इसके अंदर, काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है गेमिंग वगैरह के लिए या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, 4K रिकॉर्डिंग करो, कुछ भी करो, वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं है। बट अब क्या हुआ है, कुछ अपडेट्स के बाद इसका, अब जो मैंने पिछले लास्ट 2 महीने से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, कुछ ज़्यादा ही इसका प्रोसेसर हीट करने लगा। आपको हाथ में फील होता है कि हीट हो रहा है, उससे दिक्कत क्या हो रही है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलने लग गए हैं, गेमिंग आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, पीछे काफ़ी हीटअप फील होगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगा बैटरी ड्रेन इशू हो गया, बट बैटरी थोड़ी सी उसकी वजह से थोड़ी जल्दी खत्म होती है, बट इतना भी जल्दी खत्म नहीं होती है, 1 दिन का बैकअप आराम से निकाल देती है और चार्ज भी भाई 30 मिनट के आसपास ही आराम से हो जाता है, 100 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। बट प्रोसेसर हीटअप के कारण हुआ क्या है, मेन दिक्कत मुझे आई है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम में। तो जब भी आप इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे बाहर जाके, तो भाई ये जो है हैंग होने लगता है। स्टार्टिंग में क्या करेगा, आपके फ्रेम ड्रॉप होने लगेंगे बहुत सारे। आप जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि मैं रिकॉर्डिंग OnePlus R से ही करता हूँ, OnePlus 11R से ही करता हूँ सारी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है फ्रंट कैमरे से भी। तो आप जितनी भी मेरी पिछले 1 साल में वीडियो देखेंगे, सब मैंने OnePlus 11R से ही रिकॉर्डिंग की है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है इंडोर के अंदर। बट जैसे ही मैं बाहर जाके कोई वीडियो शूट करता हूँ, तो बाद में देखा जाता है कि उसमें मेरी आवाज़ आगे पीछे होगी और आवाज़ कट रही है, यानी फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं बहुत सारे और वो पूरी वीडियो ख़राब हो जाती है। इसलिए बाहर शूट ही नहीं कर पाता हूँ, इससे सारी वीडियो मुझे जो है इंडोर ही शूट करनी पड़ती है। तो अगर आप थोड़े शॉर्ट्स भी लेते हैं ना किसी प्रोडक्ट के, वो भी आपको फील होगा कि वो उसमें फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। तो ये मुझे कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है और इसको मैं यूज़ ही नहीं कर पाता हूँ। बीच में तो एक दिन ऐसा हो गया था, ये कम्प्लीटली हैंग हो गया था, इसमें कुछ वर्क ही नहीं कर रहा था। हैंग तो ये हमेशा ही होता है पिछले 2 महीने से, लेकिन हो क्या रहा था कि 5 मिनट रख दो रूम टेम्परेचर में तो ठीक हो जाता था। बट बीच में अभी क्या हुआ कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ और मुझे सर्विस सेंटर इसको लेके जाना पड़ा। और मज़े की बात क्या हुई है, मैं अपने घर से इसको लगातार चेक कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जैसे सर्विस सेंटर गया हूँ, उस बंदे के हाथ में मोबाइल गया है, वैसे ही चलने लग गया। मैंने बोला भाई बड़े धोखेबाज मोबाइल आप लोगों के, तो अब मैं क्या बोलूँ उनके सामने जब ठीक हो गया। तो वापस घर में आया हूँ, तो उतना हैंग तो फिलहाल अभी नहीं हुआ है पिछले 1 महीने से, बट जो फ्रेम ड्रॉप्स हैं, हीटिंग का इशू है, वो भाई लगातार आज भी बना हुआ है। और वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसके अंदर बाहर अब नहीं कर सकते हो, जैसे आप रिकॉर्डिंग शुरू करोगे ये कैमरा इसका प्रॉपरली हैंग हो जाएगा, दोबारा कैमरा आप इसका ऑन भी नहीं कर पाओगे और बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाथ में कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो आप छोड़ दोगे। और थोड़े 10 मिनट रखने के बाद तब ये थोड़ा सेटिंग में आता है, तभी थोड़ा ठीक होता है कुछ और काम करने के लिए, वरना अगर इतना ज़्यादा हीट होने के बाद ये कुछ काम भी नहीं कर पाता है। तो मेन चीज़ सबसे बड़ी हुई है सिर्फ कैमरा को लेके। आप धूप में जाके नॉर्मल यूज़ करो कुछ भी, तब कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जब आप कैमरा यूज़ करने लगोगे, रिकॉर्डिंग करने लगोगे, कैमरा में भी फोटो यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगोगे भाई भयानक हीट हो जाता है और जो है इसके फ्रेम ड्रॉप हो जाता है और कैमरा एकदम हैंग हो जाता है, मोबाइल भी हैंग हो जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर थोड़ा उसको वेट करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है।
तो ये मुझे एक दिक्कत फील हुई है। इसके अलावा मुझे 1% भी इसके अंदर दिक्कत फील हुई है, बट ये दिक्कत इतनी बड़ी है कि एक मोबाइल में कैमरा ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप इस मोबाइल को परचेज करें। बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको एक बार बाहर रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ कि किस टाइप की रिकॉर्डिंग करता है। आज बाहर ज़्यादा धूप भी नहीं है, मतलब अगर सोचो कि बहुत ज़्यादा धूप होगी तो क्या होगा, आज सूरज छिपे हुए हैं, बस हल्की फुल्की दो चार किरणें नीचे आ रही हैं, उसी में देखना आपका ये कैसा परफॉर्म करने लग जाएगा एक दो मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद ही। उसने भी ब्राइटनेस ड्रॉप दी है, जबकि दो पूरी ब्राइट क्या बाद ठीक हो गया देर में, और अभी शायद आपको रोज भी ठीक हो जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया ब्राइट की रिकॉर्डिंग। और जब ये पूरी क्या लोग तो अभी देख लो ये हाल है इसका, तो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था तो ये आप देख लो ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा, आपको इसका नहीं दिखेगा। तो रिजल्ट आपके सामने है, आपने खुद ही स्क्रीन पर देख लिया कि कैसा अब ये परफॉर्म करने लगा है एक साल के अंदर ही, जबकि अक्टूबर में इसको एक साल होगा, अभी तक एक साल हुआ भी नहीं है। तो इसकी अपडेट्स ने जो है इसका काम खराब कर दिया, इतने अच्छे प्रोसेसर को खराब कर दिया, अब ये बहुत फिट करता है। और बाहर आप वीडियो रिकॉर्डिंग एकदम भूल जाइए, आप इस पर कोई कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी, आप प्लीज़ 12R या किसी और मोबाइल की तरफ जा सकते हैं जिसमें एटलीस्ट कैमरा इस तरीके से हैंग ना होता हो, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। आप वीवो की तरफ जा सकते हैं, आईको की तरफ जा सकते हैं, सैमसंग की तरफ जा सकते हैं, बट पर्टिकुलरली आप वन प्लस 11R की तरफ मत जाइए, वन प्लस के किसी और मोबाइल की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो यही था मेरा वीडियो बनाने का आज का कारण कि भाई आपको बता दूं, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूं एक साल से, तो मैं भुगत रहा हूं, तो प्लीज़ आप क्यों भुगते हो उस चीज़ को, क्योंकि अभी जो अपडेट्स की आई हैं वो इसके लिए ठीक नहीं आई हैं, हीटिंग इशू बढ़ गया है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सीधी बात नो बकवास हो गया, जो क्लियर था मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आगे और भी सेल को लेके। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।